हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियसली वीडियोस में मैंने पीछे की सेक्शन जितनी भी थी वो सारी कवर करवा दी है। अब सेक्शन 22 हमें क्या कहती है? ये हमें कहती है कि जितनी भी प्रोसीडिंग होगी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उन सभी प्रोसीडिंग को कैमरा प्रोसीडिंग में किया जाएगा, यानी कि कैमरा के द्वारा उन प्रोसीडिंग को किया जाएगा। अब साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर किसी भी प्रोसीडिंग को प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसे जो है लॉफुल नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल एक्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप इस बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, इस सेक्शन को पढ़ेंगे, तो वहां पर शैल वर्ड का यूज किया गया है। तो शैल वर्ड का मतलब होता है मैंडेटरी है, 100% यहाँ पर करना ही होगा। तो सबसे पहली बात क्या थी कि जितनी भी प्रोसीडिंग होगी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो सभी कैमरा प्रोसीडिंग में होगी। अगर आप उन्हें प्रिंट और पब्लिश करते हैं तो आप यहाँ पर अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल एक्ट नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसी सेक्शन के अंदर ये भी कहा गया है आप किस चीज को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, उन्हें आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट की आपको परमिशन लेनी होगी। तो सब सेक्शन वन यही कहता है सेक्शन नंबर 22 का। सब सेक्शन टू में क्या कहा गया है, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को, तो आप यहाँ पर वोयलेशन कर रहे हैं इस सेक्शन का, और इस सेक्शन का वोयलेशन करने पर आपको क्या सजा दी जाएगी, ये सब सेक्शन टू में बताया गया है। आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा जो कि 1,000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये एक छोटी सी सेक्शन थी, आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इस सेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट की, तो वो एक तरीके से हमारे लिए प्रिसिडेंट होती है, यानी कि उन्होंने जो जजमेंट दे दी उनको हमें मानना पड़ता है, जो इन्फीरियर कोर्ट होती है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।